हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आई नो ये वीडियो वैसे भी जब आप देख रहे होगे तब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आपने थंबनेल में जब पढ़ा होगा तो दिमाग में आ गए होंगे। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मुझे हर दिन एक ना एक ऐसा मैसेज आ जाता है। हर साल जब बच्चे नए नया वीडियो देखते हैं, जब वो जैम की तैयारी करते हैं, हर साल जब इंडिया के अलग अलग कोने में स्टूडेंट्स को जब IIT जैम के बारे में पता चलता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जब पता चलता है, तो वो डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि मेरे हर वीडियो में वो क्वेश्चन तो पक्का आया होगा, और वो क्वेश्चन होता है कि सर हमें MSc की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप हमें रेफरेंस बुक बता दीजिए कौन सी है। ऐसी कोई बुक बता दो जिसमें IIT जैम की सारी तैयारी होती हो, या ऐसी कोई बुक बता दो जिसमें CSIR नेट के बारे में सब कुछ दिया हो या गेट के बारे में सब कुछ दिया हो। सर कोई अच्छी रेफरेंस बुक बता दो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, कोई अच्छी रेफरेंस बुक बता दो इनऑर्गेनिक के लिए। सर मेरा ऑर्गेनिक का बेसिक्स बड़ा वीक है, ऑर्गेनिक की कोई अच्छी रेफरेंस बुक बता दो। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हर बार टाइप करके या हर बार व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके कर पाना हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टीडियस काम होता है। स्टार्टिंग में जब चैनल छोटा था तब मैं कोशिश करता था कि मैं हर एक स्टूडेंट से बात कर सकूं, बट अब जैसे चैनल बड़ा हुआ है, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये मैसेज करके उसको बात कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना कभी कभी बहुत टफ हो जाता। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर। देखिए रेफरेंस बुक एक ऐसा टॉपिक होता है, 11th 12th तक बच्चे ने कभी रेफरेंस बुक का नाम नहीं सुना होता। हाँ JEE पढ़ने वाला और NEET पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो पक्का रेफरेंस बुक के बारे में सुनता है। जैसे उसको कहा जाता है बेटा केमिस्ट्री की एक रेफरेंस, फिजिक्स की एक रेफरेंस बुक आती है HC वर्मा, उसको रेफर करो। केमिस्ट्री के लिए KS वर्मा की बुक रेफर करो। फिर उसको कह दिया जाता OP टंडन की बुक रेफर करो। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं जो 11th 12th में पढ़ाई जाती हैं। फिर हमारे पास 11th 12th में NCERT की बुक्स होती हैं, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक होती है। हमें रेफरेंस बुक के बारे में एक्चुअल पता चलता है जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, और वो भी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से हमें रेफरेंस बुक के बारे में पता चलता है। पूरी MSc तो रेफरेंस बुक पे ही गुजर जाती है। तो एक्चुअली ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो फिलहाल 11th 12th में है या BSc के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है। MSc के स्टूडेंट्स को तो रेफरेंस बुक के बारे में ऑलरेडी सब पता होता, तो उनके लिए ये वीडियो मुझे नहीं लगता कुछ काम का होगा। देखो गाइस, रेफरेंस बुक्स को ना दो कैटेगरी में, पहली बात तो आप समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है उनकी कमेटी ने बैठ के, CBSE ने अपना एक सिलेबस डिज़ाइन किया है, ICSE ने अपना एक सिलेबस डिज़ाइन किया, उन्होंने अपनी खुद की एक बुक बनाई हुई है जिसको वो इंस्टीट्यूट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, हम उसको कहते हैं टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक वो होती है जो एक ऑथर बनाता है। जैसे कल को अगर मैं NMR पे एक बुक लिखना स्टार्ट कर दूं तो वो मेरी बुक होगी, दैट विल बी अ रेफरेंस बुक रिटन बाय मी। और कल को या कोई और XYZ यूट्यूबर या एडुकेटर अगर कोई अपनी बुक लिखना स्टार्ट कर देता तो वो उसके नाम की रेफरेंस बुक होगी। रेफरेंस बुक्स को दो पार्ट में मैं क्लासिफाई करता हूं। आप कभी भी जब आप रेफरेंस बुक लेने जाते हो, रेफरेंस बुक्स दो टाइप की होती हैं। आप पहले ये ध्यान रखना कि किस टाइप की बुक आप खरीद रहे हो, ठीक है? दो टाइप की रेफरेंस बुक्स होती है। पहली रेफरेंस बुक जिसको मैं कहता हूं सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, दूसरी जिसको मैं कहता हूं वो होती है टॉपिक ओरिएंटेड। अब कौन सी बहुत अच्छी है? देखो फटाक से ना दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, सर कौन सी बहुत अच्छी है? कभी-कभी क्वेश्चन है सर दोनों में से अच्छी वाली बता दो, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है, अच्छा बता दो। अच्छा और बुरे में हम ज्यादा फंसते हैं। सर सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक वो होती है जिसमें एक बुक में पूरा फिजिकल आ जाएगा। मतलब जैसे सर मैं अभी BSc के थर्ड ईयर में हूं, ठीक है, तो मुझे BSc के थर्ड ईयर में ना पढ़ना है और मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी बुक बता दो जिसमें एक बुक में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री समाया हो, जिसके लिए मुझे अलग अलग बुक्स ना खरीदनी पड़े। तो ऐसी कोई बुक जिसकी एक बुक में सारे उस सब्जेक्ट का टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे, मैं उसको कहता हूं सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक्स होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं पूरी शर्मा पठानी। अब देखो उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया कि मैं उनको ब्रांडाइज कर रहा हूं यहां पे, बट दिस इज अ रेफरेंस बुक विच आई पर्सनली यूज। तो पूरी शर्मा पठानी एक ऐसी बुक है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है? अब वो फिजिकल केमिस्ट्री जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो BSc MSc लेवल का फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगा। तो सर ये तो MSc लेवल का हो गया, हमें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? BSc MSc लेवल का मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो पूरी शर्मा पठानिया में आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लो, अब आपको वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, आपको वो सारे टॉपिक पूरी शर्मा पठानिया में मिलेंगे जो BSc MSc में आपको काम आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि किस डेप्थ में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे कि ऊपर ऊपर से कवर करके मिलेंगे? मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपको जितनी BSc MSc में पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारे टॉपिक्स आपको पूरी शर्मा पठानिया नाम की बुक में BSc MSc लेवल के मिल जाएंगे। अब इसके अलावा एक और बुक आती है, जैसे हम कहते हैं KL कपूर की बुक आती है, तो वो सब बुक जो होती है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक्स होती हैं। उसके अंदर एक बुक में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आ गया, तो अब सोचो यार ये एक बुक में जब पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आएगा तो आप ही हिसाब लगा लो कि डिटेल एनालिसिस या डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ कहाँ मिलेगा। मिलेगा नो डाउट, बुक मोटी होगी, बुक
डिपेंड करता है कि उस बंदे ने कितना लिखा, पर आप ही सोचो ना कि एक ही बुक में अगर पूरा सारा सब्जेक्ट उन्होंने डाल दिया है तो उतना लेवल का, हम बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर ऐसी बुक बताओ जहाँ से बेसिक से पढ़ाया हो, हमें बेसिक से चाहिए। तो सर आप यहाँ पे बेसिक से नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकते। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी शर्मा पठानिया को रेफर कर रहे हो तो वो पूरी शर्मा पठानिया कभी 11 12 के टॉपिक से नहीं उठाएगा, वो आपका आके ये नहीं बताएगा कि डेनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या। ऑब्वियसली वहाँ पे उसको एमएससी बीएससी लेवल को भी वहाँ डिस्कस करना है, तो ही विल बी स्टार्टिंग विद फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम बीएससी लेवल वो वहाँ पे स्टार्ट करेगा और एमएससी लेवल तक उसको वहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ टॉपिक ओरिएंटेड बुक्स की, टॉपिक ओरिएंटेड बुक्स वो होती हैं, इनको एक्चुअल रेफरेंस बुक कहते हैं, दीस आर एक्चुअल रेफरेंस बुक्स। इनको तुम ऐसे कह सकते हो हायर लेवल की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, हायर लेवल की टेक्स्ट बुक है ये, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक्स होती है, जैसे हमारे पास होती है फिजिक्स की एक बुक आती है उसमें फिजिक्स के 15 चैप्टर होते हैं, सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक आएगी पूरी शर्मा पठानिया, उसमें सारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आ जाएंगे, तो दे आर हायर लेवल की टेक्स्ट बुक्स जो बीएससी एमएससी लेवल की टेक्स्ट बुक होती हैं, दीस आर एक्चुअल टेक्स्ट बुक। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अगर आर के प्रसाद का बुक रेफर करते हो तो ये क्वांटम केमिस्ट्री का है, मैक्वेरी का बुक का रेफर करते हो वो क्वांटम केमिस्ट्री का है, आप अगर थॉमस एंगल एंजल का बुक रेफर करते हो तो वो केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए, आप अगर एमसी गुप्ता का बुक रेफर करते हो तो वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो कुछ बुक्स हैं जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे थर्मोडायनामिक्स के लिए ग्लासस्टोन का बुक है, तो जब आप ग्लासस्टोन का बुक लोगे आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर थर्मोडायनामिक्स ही मिलेगा, आपको काइनेटिक सॉलिड इलेक्ट्रो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचो जब आप एक ऐसी बुक रेफर कर रहे हो जिसमें सिर्फ थर्मोडायनामिक्स है, जिस बंदे ने सिर्फ थर्मोडायनामिक्स बनाया होगा तो उसमें किस डिटेल में किस लेवल तक उसने एनालिसिस किया होगा। अब ऑब्वियसली बात है, फिर से मैं कह रहा हूं आप यहां पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 12th स्टैंडर्ड से टॉपिक को उठाएगा, क्योंकि जब वो बुक बना रहा है तो वो बुक बना रहा है बीएससी एमएससी लेवल पे, पर वो बीएससी एमएससी लेवल पे ऐसी बुक बना रहा है जो सिर्फ एक ही टॉपिक एक टॉपिक को डिस्कस कर रही है, ना कि पूरे ब्रांच को डिस्कस कर रही है, तो यहां पे डिटेल का जो लेवल है वो बढ़ जाता। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कोई रेफरेंस बुक रेफर करने जाते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप बुक कौन से रेफर कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक ले रहे हो कि आप एक टॉपिक ओरिएंटेड बुक ले रहे हो, सर दोनों में से कौन सी बेटर है फटाफट बता दो। सर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आप नॉलेज लेना चाहते हो, आप इन डेप्थ उस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो, आपको कहीं जाके पढ़ाना है उसको, आप टीचर हो आपको उस पर बहुत तगड़ी वाली नॉलेज चाहिए, आप रिसर्च साइंटिस्ट हो, आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको थर्मोडायनामिक्स का इन डेप्थ बहुत तगड़ा वाला एनालिसिस चाहिए विद एप्लीकेशन चाहिए, आप इस बुक पे जाओ। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, आपको सर सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, मुझे ना एकदम डिटेल में नहीं जाना है, मुझे नहीं पता करना है आगे जाके इसका क्या क्या हो रहा है कैसे आया कहां से है, मुझे सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी करनी है जिससे कि मैं एंट्रेंस एग्जाम को पास कर दूं लिमिटेड टाइम में, तो मैं कहूंगा आप इन बुक्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जैसे बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि क्लेडन की बुक रेफर करो, भाई क्लेडन की जो बुक होती है इट जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक, उसमें सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी क्लेडन बुक को पढ़ना पॉसिबल है क्या? अच्छा अब एक और क्वेश्चन उठता है कि सर मान लो हमने पूरी शर्मा पठानिया ले लिया, मैं बीएससी का बच्चा हूं तो क्या मुझे पूरी शर्मा पठानिया में से सॉलिड स्टेट का दिया हुआ हर चीज पढ़ना पड़ेगा, क्या काइनेटिक्स का दिया हुआ हर चीज पढ़ना पड़ेगा? नहीं। देखो जो पूरी शर्मा पठानिया ने बुक बनाई होगी तब उन्होंने ये सोच के नहीं बनाई होगी कि ये सिर्फ आईआईटी जैम के लिए, उन्होंने एक टेक्स्ट बुक जैसी बना दी है जो बीएससी एमएससी के बच्चे रेफर कर सकते हैं। आपको आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने वेबसाइट के लिंक पे जाना पड़ेगा सीएसआईआर नेट के, वहां पे जाके देखो नेट का सिलेबस क्या है, आप उसमें देखोगे कि काइनेटिक्स का सिलेबस क्या है, काइनेटिक्स के सिलेबस में और पूरी शर्मा पठानिया में जो काइनेटिक्स दिया है क्या वो टॉपिक मैच हो रहे हैं, हाँ तो फिर आपको सारे पढ़ने, जो टॉपिक मैच नहीं हो रहे हैं आप उनको मत पढ़ो, अगर फिर भी पढ़ लोगे तो कोई खराबी नहीं है कि वो बर्बाद नहीं जाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले टाइम में आपको काम ही आने वाला है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप मान लो बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी का स्टूडेंट पूरी शर्मा पठानिया पूरी नहीं पढ़ेगा, जैसे कल को मैं आपसे कह देता हूं मुझे एस ब्लॉक पढ़ना है, तो किसी ने पूछा था योगी सर एस ब्लॉक कहां से पढ़े, मैंने कह लिया जेडीली में पढ़ लो, तो जेडीली इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक, इट्स नॉट अ रेफरेंस बुक फॉर टॉपिक ओरिएंटेड। जेडीली में सब कुछ डिस्कस किया है, एस ब्लॉक को डिस्कस किया है, बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, आयनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, बहुत कुछ डिस्कस किया है और काफी डिटेल में काफी डेप्थ एनालिसिस पे जाके अच्छा खासा, भले मैं कह सकता हूं जेडीली जो है वो टॉपिक ओरिएंटेड और सब्जेक्ट ओरिएंटेड के इंटरमीडिएट है, डिटेल में भी है और बहुत सारी चीजें एक साथ है, पर क्या एस ब्लॉक मुझे पूरा पढ़ना है क्या जेडीली में? अरे क्यों पढ़ना है एस ब्लॉक पूरा, मैंने बता दिया जेडीली से पढ़ो, पर कितना पढ़ना है? तो सबसे पहले आप जैम की तैयारी कर रहे हो तो जैम के सिलेबस में जाके देखो एस ब्लॉक में से कितना टॉपिक आने वाला है, क्या वो टॉपिक जो आप जैम की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो क्या वो जेडीली से मैच हो रहा है, तो उतना ही पढ़ो जितने की जरूरत है, उसको कहा जाता है सिलेक्टिव स्टडी। तो मैंने एक यहां पर एक मेन पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, सिलेक्टिव स्टडी करनी है फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आप अगर ये वाली बुक्स भी रेफर कर रहे हो, मतलब सर मुझे ना क्वांटम केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ना है, हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है तो आरके प्रसाद की बुक ले लो, पर आरके प्रसाद की बुक इज अ टॉपिक ओरिएंटेड बुक जिसमें क्वांटम को ही एलोबोरेट करके पढ़ाया गया, अब उसमें से तुमको कितना चाहिए यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट, आपको उतना पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक मैं सब पढ़ूंगा क्या, मे बी आपको जो आई आई टी जैम में आ रहा है
वो टॉपिक में भी 200 पेज पे दिया हो या मे भी 500 वाले पेज नंबर पे दिया हो, आपको सिलेक्टिवली फिर उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप कभी एक पूरी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते। एक पूरी रेफरेंस बुक पढ़ना मतलब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्पेशली टॉपिक ओरिएंटेड अगर वो बुक है, आप अगर टॉपिक ओरिएंटेड कोई बुक पूरी पढ़ लेते हो, इसका मतलब आपने उस फील्ड, उस टॉपिक पे, उस फील्ड पे तगड़ी कमांड बना ली है। फिर तो आपके वो टॉपिक, आपके एक तरीके से आपने उस टॉपिक पे पीएचडी कर ली है। हाँ, सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक हम पूरी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें से भी अपने को सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। अब क्वेश्चन अगला ये आता है, देखो बहुत बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं हर बार बच्चों को यही बताता हूँ, ऐसी कोई बुक मार्केट में नहीं है जो बेस्ट हम बेस्ट हो, जिसको पढ़ने से आप भाई 110% गारंटी देता हूँ आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे। रेफरेंस बुक्स आपको सिर्फ मदद करती हैं। अगर आपका बेसिक्स एकदम जीरो है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो जाके तुम रेफरेंस बुक्स को हाथ लगाओगे तो वो हमारे में कहा जाता है कि काला अक्सर भैंस बराबर, वही वाली बात हो जाती है। जब आपको बेसिक्स ही नहीं आता तो आप डायरेक्ट बीएससी एमएससी लेवल की बुक्स को उठा के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, उस केस में आपको लोअर लेवल की रेफरेंस बुक्स पे जाना पड़ेगा या लोअर लेवल की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो एच सी वर्मा की जो बुक हो जाती है या ओ पी टंडन की बुक हो जाती है या पी बहादुर की जो बुक्स हो जाती है उन पर जाना पड़ेगा, या एन सी आर टी की बुक्स हो जाती हैं, वहाँ से आप अपना बेसिक्स को बिल्डअप करो। बेसिक्स बिल्डअप करने के बाद फिर इन पर आना। ये लास्ट में रेफर करो, आप इसको तभी रेफर करो जब आपको इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरा एमएससी मैंने 2017 में पास किया था, आज तक मैंने ऐसी कोई रेफरेंस बुक नहीं है जिसको, स्पेशली ये टॉपिक ओरिएंटेड बुक, जिसको मैंने पूरा पढ़ लिया। पूरा पढ़ना, इवन मैं कह सकता हूँ कि चलो पूरी शर्मा पढ़ानी है तो मैंने एक बार पूरी पढ़ी ली होगी, नज़र के नीचे से गुजार ली होगी, याद नहीं है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लिमिटेड दिया हुआ है। यहाँ इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है। थर्मोडायनामिक्स की इरा लेवाइन की बुक आती है, पूरी की पूरी इरा लेवाइन की बुक रीड करना इज अ टीडियस टास्क, वो तो शायद दो महीने में, एक महीने में खत्म होने वाली नहीं है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आपको डिसाइड करना है मुझे पढ़ना क्या है। आप अगर लॉन्ग टर्म बहुत डेप्थ एनालिसिस पढ़ना चाहते हो तो इन बुक्स को लेना। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब बुक लेने जाओगे तो बुक निकालने के बाद इंडेक्स चेक करो, इंडेक्स देख के समझ में आ जाता है। अगर सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ही डिस्कस किया हुआ है, मतलब समझ लेना वो टॉपिक ओरिएंटेड बुक है, उसमें थर्मोडायनामिक्स के आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिला होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कुछ दिनों पहले ना ये पढ़ रहा था, मैं काइनेटिक्स से वीडियो बना रहा था, तो मुझे काइनेटिक्स में कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गई या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कुछ चीजें आ रही थी, मुझे उसके बारे में पढ़ना था। मैंने पूरी शर्मा पठानिया की बुक निकाली, मैंने और भी बहुत सारी बुक निकाली, मैंने एटकिंस की बुक निकाली, मैंने, तो मुझे नहीं मिला वो कंटेंट क्योंकि वो सारी बुक सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक्स हैं, उन्होंने उसको सिर्फ लेके डाल दिया है, उसको एलोबरेट करके नहीं पढ़ा है। पर जब मैं रिसेंटली मैंने मेरे एक प्रोफेसर से पूछा कि सर मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, उन्होंने मुझे एक बुक रेकमेंड कर दिया। मैंने जब उस बुक को देखा तो उस बुक में सिर्फ अकेला अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर, अलग से एक चैप्टर दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन पे, 40 पेजेस का चैप्टर का पूरा सिक्वेंस उन्होंने बना के दिया। तो सोचो वो बुक जो है वो टॉपिक ओरिएंटेड है। अब 40 पेज पे उन्होंने सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है और कुछ 30 या 40 पेजेस पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। पर वहीं अगर मैं इन बुक्स को देखता हूं तो शायद एक पेज में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है वो मल्टी स्टेप में होता है, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में होता है, दैट्स इट। क्योंकि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक है, वहां पे उनको इन डेप्थ एनालिसिस आपको नहीं करवाना है, यहां पे वो इन डेप्थ एनालिसिस करवाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो फॉर बाइंग अ बुक, और या नेक्स्ट टाइम जब आप जब भी किसी से पूछते हो कौन सी बुक अच्छी है कौन सी बुक खराब है, आप खुद हिसाब लगा लो। अगर वो टॉपिक ओरिएंटेड बुक होगी तो नो डाउट वो अच्छी होने वाली और बहुत तगड़ी होने वाली, उसकी लैंग्वेज भी तगड़ी होगी, उसको पढ़ने में भी मजा आएगा और इन डेप्थ एनालिसिस होगा। बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपके पास टाइम है क्या उतना, आपको आगे उतना पढ़ना है क्या, तो इन बुक्स पे हाथ लगाओ, वरना ये बुक्स पढ़ाई करो, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स रेदर देन गेनिंग नॉलेज। सो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो गो दिस साइड, आप अगर सिर्फ एग्जाम माइंडसेट लेके चल रहे हो तो गो दिस साइड, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप ये छोटा सा एक वीडियो मैंने जो बनाया था जिसमें मैंने छोटी सी बकवास करी है, ये आपको हेल्प करेगा रेफरेंस बुक्स का सिलेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी दुकान पे जाके या कोई भी रेफरेंस बुक ले तो सबसे पहले उसका इंडेक्स पेज चेक करो, देखो इंडेक्स पेज में क्या क्या दिया हुआ है, आपको अपने आप अंदाजा आ जाएगा कि ये बुक आपके काम की है कि ये बुक आपके काम की नहीं है। हाँ मुझे पता है इसके बाद आप लोग मुझे बहुत पूछोगे सर आईआईटी जैम के लिए रेफरेंस बुक बता दो, हम सबको पता है रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं। गूगल बाबा पे जाके टाइप करो बुक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, रेफरेंस बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस ये देख लेना कि वो रेफरेंस बुक किस टाइप की है, सब्जेक्टिव रेफरेंस बुक्स है कि वो टॉपिक ओरिएंटेड बुक है वो, ठीक है। तो अगर इन केस अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत उलझन सुलझाई हुई है तो जाते जाते लाइक कर देना और शेयर करो वीडियोस को जितना जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो कोई भी और अगर क्वेरी है या अगर कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक लगेगा जिस पे मुझे लगेगा कि मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए तो विल प्रोबेबली हैव विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।